तो देखिए मैं क्या क्या चीजें ली। मैंने इसमें आलू लिए हैं, दो आलू हैं, और ये मैंने मैश कर लिए हैं, अच्छे से मैश कर लिए हैं इनको मैंने। और अब मैं इनमें डाल देती हूँ नमक मिर्च, इतना नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा और डाल देती हूँ इतना, ठीक है। और ये मैं डाल देती हूँ मिर्ची, थोड़ा सा डालती हूँ धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालती हूँ किचन की, और थोड़ा सा आधा ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर। अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मैंने मिला लेती हूँ। अब ये देखो ये मैंने अच्छे से मिला लिया। और ये देखिए गाइस हमारे पास ये चार ब्रेड है, और अब मैं ब्रेड के साइड को हटा देती हूँ। ये मैं साइड हटा देती हूँ, ये साइड मैंने हटा दिया है, ये भी हटा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस ये मैंने सारे ब्रेड के साइड हटा दिए हैं, ये थोड़ा सा इसे भी हटा देती हूँ, ये हटा दिया मैंने। तो गाइस ये देखो मैंने ये कटोरे में पानी ले लिया है बाउल में। अब मैं ये ब्रेड को इसमें डालती हूँ, और ये अब सोक कर लिया, अब मैं इसको दबा देती हूँ, इसका सारा पानी निकाल देती हूँ। और अब मैं इसमें भर देती हूँ ये फिलिंग, अब मैं इनको ऐसे बंद कर देती हूँ। और ये मैं कचौड़ी सेप में दे देती हूँ थोड़ा इनको। और ये देखो गाइस, ये देखो गाइस ये मेरा ऑयल गरम हो गया है, मैंने यहाँ पहले ही सही ऑयल रखा था गरम करने को, और हमें ये हाई फ्लेम पे ही करना है। और ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ऐसे ही मैं दूसरा भी करती हूँ, आप चाहो तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हो। ये मैंने दूसरा भी डाल दिया, और ये देखो हमारा पहला वाला नीचे से थोड़ा सा सिक चुका है, तो मैं इसको थोड़ा पलट देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए गाइस ब्राउन हो गया है ये। अब मैं ऐसे ये भी लेती हूँ,
तो गाइज ये देखिए, ये मैंने चारों डाल दिया है। और ये देखो, ये हमारा नीचे से अच्छे से सिक चुका है। हम इसे दूसरी साइड से कर देते हैं और इसको भी हम पलट देते हैं थोड़ा सा। और मैं इनको हाई फ्लेम पे कर देती हूँ। देखो तो ये थोड़ा जल्दी सिक जाएंगे। पलट दिया मैंने। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो इसे, या कोई गेस्ट आए तो उसके लिए भी बना सकते हो। तो गाइस ये देखो, ये हमारा पूरा अच्छे से सिक चुका है। देखो कितने अच्छे से इस पे कलर आया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। और ये देखो गाइस, ये भी हमारा अच्छे से सिक चुका है। ये देखो कितने अच्छे से कलर आ गया है इनमें। ये थोड़ा सा मैं ये भी कर देती हूँ थोड़ा सा। ये भी देखो, ये हमारे ये भी अच्छे से सीख गया है। ये देखिए, और ये भी। ये देखो कितने अच्छे से इनमें गाइस कलर आया। तो अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू हमारी। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो।